समस्तीपुर मुफस्सिल थाने के चकनूर मोहल्ला से गिट्टी बालू कारोबारी का पुत्र राजू कुमार रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। कारोबारी पिता सुरेश राय ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन इस मामले में पुलिस की सुस्ती के कारण पूरा परिवार दहशत में है कि कहीं उन्हें पुत्र की हत्या न कर दी गई हो। हालांकि इस मामले में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक कहीं से फिरौती के लिए फोन नहीं आया है। युवक का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। घटना के संबंध में अपहरित छात्र के पिता सुरेश राय ने बताया कि गत 15 तारीख को उनका पुत्र धर्मपुर स्थित मकान में अपने छोटे भाई अमित कुमार के साथ सोया हुआ था। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनका भाई गायब था, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों को जानकारी दी। बाद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी दिए जाने के कई दिनों बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हुई होती तो अब तक राजू का सुराग मिल गया होता। 9 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया, फिर वो 11 बजे सो गए थे और हम 12 बजे करीब सो गए। फिर जब हम सुबह उठे तो वो बेड पर नहीं पाए गए, बस इतना ही अभी तक पता है। उसके बाद हम लोग खोजबीन किए, कहीं कुछ पता नहीं चला अभी तक। इसको लेकर थाने में शिकायत भी की, इसको लेकर हमने हम लोगों ने शिकायत किया थाने में, लेकिन अभी तक पुलिस घटना स्थल पर इंक्वायरी तक के लिए नहीं आई है। कितने दिनों से लापता? लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। तो ये घटना बीते वक्त 14 अक्टूबर की है, 1 महीना से ज्यादा फोन से जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका जस्टिस हो और हमें पता चले कि उस लड़के मेरे भाई के साथ क्या हुआ। और पुलिस अभी तक कुछ हमें निष्पक्ष करके नहीं दे रही है, तो पुलिस हम चाहते हैं कि कुछ हमें जस्टिस दे, इस पे कोई खोजबीन करे और हमें इसका जस्टिस करे। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम राजू कुमार था। आपका क्या नाम? मेरा नाम अमित कुमार है।